बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लेक्चर जो है वो एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो हमारा पर्सनल अफेयर का टॉपिक भी है। तो हम सबसे पहले जो है वो उसको डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि हमें पता चले कि एनर्जी होती क्या चीज़ है। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ डेफिनेशन में आने से पहले, वो ये है कि जो एनर्जी वर्ल्ड है वो होल वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ अक्सर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो बिजली के ऊपर होती है, जबकि बिजली एक एनर्जी का पार्ट है। ठीक है जी, एनर्जी जनरेशन का एक पार्ट है, आप इसको होल नहीं कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे चल कर देखेंगे। ठीक है जी, तो इसको और उसमें फ़र्क समझ लीजिएगा। जो पावर सेक्टर है, जो हमारा लोड शेडिंग या बिजली का सेक्टर है, वो एक अलग चीज़ है, इसी का हिस्सा है, इसका जुज़ है लेकिन कुल नहीं है। हम इसको जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दो तरह से की जाती है। डेफिनेशन वो होती है, इसको हम कहते हैं कि किसी भी जिस्म के अंदर अगर हर हरकत करने की सलाहियत है तो वो एनर्जी है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि इंसानी ज़रूरियात को या इंसानी जिस्म को सेटिस्फेक्शन के लिए जो लाजमी रिसोर्सेज दरकार होते हैं उसको हम जो है वो एनर्जी कहते हैं। अब रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिसोर्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैटर जिसको आप किसी ना किसी इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि आपके वैल्यूएबल और यूजफुल बन जाता है इंसानी ज़रूरियात को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है जी, इंसानी ज़रूरियत की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज़ कन्वर्ट हो और वो वैल्यूएबल और यूजफुल बन जाए इंसान के लिए, आप उसको रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि एनर्जी जो है वो एक्सिस्ट करती है वेरियस फॉर्म्स के अंदर, आपको एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ शक्ल्स में मिल जाएगी। मैं तो अब वो मैंने जो पहले क्वेश्चन स्टार्ट में बताया था उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हीट एनर्जी की शक्ल में, मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में, केमिकल एनर्जी की शक्ल में, न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाएगी उसकी शक्ल में आपको एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में मिल जाएगी एनर्जी आपको। ये जो है वो एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कौन से, एनर्जी के दो सोर्सेज हैं पर, एक को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, दूसरे को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वान्टिटी के अंदर ज़मीन पर जो है वो दस्तियाब हैं। ठीक है, जिसको यूज भी कहा जा सकता है, जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्रोड्यूस किया जा सके उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एनिमल डंग है, सोलर विंड है, वाटर है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या चीज़ हैं? आपको ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, या इसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फोर मेजर एनर्जी के यूजेस कहाँ पर होते हैं, या चार मेजर एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं? फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यूज़ की टाइप्स हैं, सोलर एनर्जी से हम ले रहे हैं, न्यूक्लियर से ले रहे हैं, जियोथर्मल से हम एनर्जी ले रहे हैं, ये हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं। उसके बाद हम एनर्जी यूज़ किधर करते हैं? हम एनर्जी हाउस होल्ड में, घरों में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग में यूज़ करते हैं, किचन्स में यूज़ कर रहे हैं लाइटनिंग के लिए, किचन्स के लिए एयर कंडीशन वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर में हम ज्वेल्स में यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह लानी, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, अगर गाड़ियाँ जो है वो इसके ऊपर बैटरीज के ऊपर है तो बैटरीज चार्ज होती हैं। उसके बाद जो है वो आपकी सर्विसेज हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, उसमें रेलवे में यूज़ हो रहा है, फिर आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी चीज़ जो कम जगह लेकर जो लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे, हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री की दो टाइप्स होती हैं, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक हैवी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री वो होती है जो थोड़ी जगह लेकर, स्मॉल इंडस्ट्री से मुराद ये है कि जो 2 से 9 लोगों को मजदूर रखकर जो है वो लोगों को रोज़गार देती है। जगह तो थोड़ी ही है और उसमें थोड़ी सी जगह में 2 से 9 लोग काम कर रहे हैं और उसमें वो लोगों को रोज़गार फ्राहम कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े की सनत है, डेयरी फार्मिंग है, अंडे का कारोबार हो रहा है। इस तरह हैवी इंडस्ट्री में फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, टैंक्स बन रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान वॉल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है। इस तरह हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ में आपको इक्विपमेंट चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है, एग्जाम परफॉर्म करने के लिए चीज़ें चाहिए, स्कूल्स में बिजली यूज़ होती है आपको, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, लैपटॉप चलानी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जैसे कि फोटो स्टेट्स मशीनें रखी हुई हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, ये एनर्जी के हमारे यूज़ हैं। अब हम जरा देखते हैं कि डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में फ़र्क क्या होता है।
डेवलप और डेवलपिंग नेशन में फर्क ये है कि जो डेवलप नेशन होते हैं उसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उनका, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल होती है, वो मोर देन 7% जिसकी होगी आप उसको जो है वो डेवलप नेशन कह सकते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, उनकी जो है वो ह्यूमन राइट बेहतर होते हैं, वो अच्छे तरीके से ह्यूमन राइट को प्रोवाइड करते हैं, प्रोविजन टू ह्यूमन राइट उनका बेहतर होता है। उसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो उनका लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उनकी इकॉनमी फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी कि स्टेबल नहीं होती, लेस देन 6% होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है उनका, लोअर इंडेक्स ऑफ ह्यूमन राइट होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्राइसिस क्या चीज़ है। एनर्जी क्राइसिस की डेफिनेशन जियोगोस ने की है, वो ये है कि एनी ग्रेट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी की जो है वो सप्लाई में कोई ग्रेट शॉर्टफॉल आ जाता है तो आप उसको जो है वो एनर्जी क्राइसिस कह सकते हैं। अब वो एनर्जी क्राइसिस में अगर तमाम चीज़ों में शॉर्टफॉल हो गया, अगर कोई मुल्क सारे का सारे तेल पर डिपेंड करता है तो उसके है, अगर पूरा मुल्क बिजली पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर है, तो भी जो है वो आपका एनर्जी क्राइसिस है। तो पाकिस्तान इस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्राइसिस में ज़्यादा है बनस्पत अदर के। उसके बाद डिक्रीजिंग इन ऑयल प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग इन ऑयल प्राइसिस, ये नहीं तो आप इसको भी कह सकते हैं। ब्राउन ने 2010 में भी जिससे कहा था कि तेल की कीमतों में कमी होना और जो है वो तेल की सॉरी प्रोडक्शन में कमी हो जाना और प्राइसिस का पड़ जाना जो है वो एनर्जी क्राइसिस में आता है। अब जो एक लफ्ज़ है हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट कहते हैं कि जो आप डिजायरेबल डायरेक्शन में चेंज आ रहे होते हैं उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डिजायरेबल जब ग्रोथ होती है वेरियस डायमेंशन ऑफ नेशनल लाइफ, आप उसको जो है वो नेशनल डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। अब इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या है? अब ये जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इकोनॉमिक डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इसके पीछे एनर्जी का कॉन्सेप्ट खड़ा है, इससे हमने ये चीज़ें हमने अचीव करनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसके बैक करती है, इसको इकोनॉमिक डायमेंशंस को ये क्या बैक करती है? एनर्जी बैक करती है। लेट्स सपोज हम इकोनॉमी क्यों चाहते हैं, पहले तो मैं इकोनॉमी की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो है वो 1776 में एडम स्मिथ ने की थी अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर। वो कहते हैं कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर लोगों को उनकी ज़रूरियात प्रोवाइड करना, उस अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर लोगों को उनकी ज़रूरियात प्रोवाइड करना इकोनॉमी कहलाती है। अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि हमें इकोनॉमी चाहिए क्यों होती है। हमें इकोनॉमी इसलिए चाहते हैं कि एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करे, हमारा GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करे, हमारा GDP इंक्रीज़ करे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, हमारी फैमिली इनकम इंक्रीज करे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। जबकि एनर्जी सिस्टम बेहतर होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, फिर जॉब्स मिलेंगे, एनर्जी कंजम्पशन अच्छी होगी, हाई टेक्नोलॉजी होगी, ऑटोमोबाइल है, टेलीफोन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, फॉरन एक्सचेंज हमारे पास आ होगा, जब अच्छी एनर्जी होगी, यहाँ पर ट्यूबवेल्स का पानी सस्ता, बिजली सस्ती, लोग यहाँ से जो है वो ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में गंदम चावल उगाएंगे, हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फॉरन एक्सचेंज मिलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो इकॉनमी है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? वो रोड्स होगी, एविएशन अच्छी होगी आपकी, तो ये नहीं होना चाहिए कि एविएशन से बुरा, यहाँ से पाकिस्तान से जहाज जो है वो सऊदी अरब गया और आने के लिए तेजी नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं। अच्छी एविएशन सिस्टम हो, रोड अच्छे हो, ऑयल एंड गैस के आपके पास रिजर्व हो, रेलवे सिस्टम अच्छा हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो आपके पास, पावर अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सोशल डायमेंशंस क्या चीज़ होती हैं। सोशल डायमेंशन जो है वो दो तरह की होती हैं, एक को हम मटेरियलिस्टिक सोशल डायमेंशन कहते हैं, एक को हम नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल डायमेंशन कहते हैं। मटेरियलिस्टिक सोशल डायमेंशंस ये होती हैं कि जो इंसानी ज़रूरियात हैं, फूड हो गया, खुराक है, शेल्टर है, हेल्थ है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल डायमेंशन क्या चीज़ होती हैं? रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आपको जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक में मिलती हैं। जैसे अब हम पॉलिटिकल डायमेंशंस देखते हैं कि पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होती हैं। पॉलिटिक्स का मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझा दूँ, गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान एक खला होता है, उस खला को पूरा करने के लिए एक इदारा बनाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कह लें या पॉलिटिक्स कह लें, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका बेसिक काम ये होता है कि अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो हकूक की अदम फ्राहमी होती है उसको जो है वो गैप को फिल करना बस। तो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करती है जिसमें आपकी एनर्जी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग में इनका काम होता है कि कौन सा काम करना है। आपने अगर जो है वो कोल का प्लांट लगाना तो आपके जो है वो हुक्मरान डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं
या वो हमें सोलर लगा लेना चाहिए, फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करते हैं, लेट्स सपोज रेपोडिकम सुबह निकला, किस कंपनी को बुलाना नहीं बुलाना, फिर उससे नेशनल सिक्योरिटी में ये वो हेल्प देते हैं, यूनिटी एंड सोलरिटी अमंग पीपल्स में आपको हेल्प मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो अगर क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस आते हैं, एनर्जी क्राइसिस जो है और उसके इफेक्ट क्या कहाँ कहाँ पर होते हैं। आप उसका इफेक्ट सबसे पहले इन्फ्लेशन, यानी कि चीज आपकी खरीद से बाहर हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी मिसाल डॉलर से देता हूँ। एक आदमी जो कि एक डॉलर के बदले जो है वो चीज़ खरीद रहा था, अब वो जो है वो सिस्टम उसका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है वो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी पॉवर्टी क्या होती है इसकी मिसाल मैं आपको डोमेस्टिक से देता हूँ। पहले जो है वो घरों के अंदर गीजर लगे हुए थे पुराने, आप जो है वो रात को उसको चला देते थे और सुबह तक पानी गर्म होता था। अब जो है वो इंस्टेंट गीजर आ गए, आपको वक्त पर ज़रूरत पर चाहिए उसे खत ऑन करें, उसके बाद गर्म पानी लें। दिस इज जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस दैट वाज ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट वाज डिस्कसिंग बिफोर। तो उससे क्या जो पुरानी चीज़ है ना, जो पुराना सिस्टम उसको कहते हैं एनर्जी पॉवर्टी। दूसरी जो है वो जनरल पॉवर्टी का इशू है। फिर आपका पुअर हेल्थ सिस्टम हो जाएगा, आपके डिप्लेशन फॉरन रिजर्व्स में कमी आएगी, डिवेल्यूशन ऑफ लोकल करेंसी हो जाएगी, स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी यानी कि तरक्की रुक जाएगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास एनर्जी नहीं, आप माहौल को नहीं अपने सेव कर सके, इनसफिशेंट बजट प्लान होगा आपका। अब पाकिस्तान का हम सेक्टर देखते हैं कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर में क्या इशू चल रहा है, कितने से ये इशू है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री देख लेते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान बना तो हमारे पास 1947 में 60 मेगावाट एग्जिस्ट करते थे। आफ्टर 1970 तो हमारे पास जो है वो 630 मेगावाट आए, मिलिट्री के ज़माने में कंस्ट्रक्शन हुई, यू खान के ज़माने में डैम वगैरह बने, तो हमारे पास जो है वो बिजली सरप्लस होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है वो 1991 के अंदर हमारे पास 9994 थे, यानी कि 10,000 के करीब हमारे पास मेगावाट बिजली थी। फिर 2004-05 के अंदर हमारे पास सिस्टम ठीक था, और 2006 के बाद जो है वो हमारे पास सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हुआ, यानी कि इसके क्राइसिस शुरू हुए। अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका क्या क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपके साथ जरा वो डिस्कस करता हूँ। ये 2017 के फिगर, 18 के तो अभी आई नहीं है, 17 के फिगर उसमें लिखा हुआ है कि जो फॉसिल फ्यूल से हम 64% बिजली पैदा करते हैं, हाइड्रो से यानी कि पानी से 30% टोटल का, न्यूक्लियर से 5% जो है वो हम पैदा करते हैं। न्यूक्लियर में मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ प्लांट लगे हुए हैं। कनूट में लगा हुआ है 137 मेगावाट का, चश्मूक में लगा हुआ 325 मेगावाट का, 325 चश्मूक टू में लगा हुआ 325, ठीक है, चश्मूक थ्री 340 मेगावाट लगा हुआ है। फिर उसके अलावा हम इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हमारे पास काम कर रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए, हम सोलर से भी कुछ बिजली ले रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारी इस वक्त जो 2016 के फिगर है उसमें था कि पाकिस्तान के पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 25,100 मेगावाट है, जो कि उसमें से फॉसिल फ्यूल जो है वो 64% है, और फॉसिल फ्यूल्स में से ऑयल 35.2%, गैस 29% है, हाइड्रो जो है वो 30% है, उसके बाद न्यूक्लियर जो है वो 5% है उसके अंदर। तो एवरेज डिमांड हमारी 17,000 है, शॉर्टफॉल 5,000 से 7,000 मेगावाट का बरकरार है, ठीक है जी। और हमारे पास आप देखते हैं कि कौन कौन से इदारे हमारे पास काम कर रहे हैं, वो आपदा है, KESE है, IPP है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जैसे इदारे हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एनर्जी के इशू आ रहे हैं तो वो इशू है क्या। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लफ्ज एफिशिएंसी है जो कि इसमें यूज होता है, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि एफिशिएंसी कहते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप होता है उसको फिल करने का नाम जो है वो एफिशिएंसी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इशू है वो इशू क्या है। एक तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सीजनल इशू है कि हमारे पास पानी जो है वो गर्मी में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है, एक हमारे पास ये सीजनल इशू भी है। दूसरा हमारे पास रिडक्शन गैस रिसोर्सेज में थोड़ी सी कमी आ रही है। तीसरा इशू है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करते हैं। चौथा इशू हमारे पास सर्कुलर डेट का है, सर्कुलर डेट कहते हैं कर्ज़ उठाने के लिए मजीद कर्ज़ लेना,
हमने जो बाहर की कंपनियों को ठेका दिया और हमने उनके पैसे देने होते हैं, हम फिर बैंकों से मजीद कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जा लेके उनको उतार देते हैं, फिर बैंक भी पीछे होता है हमारे, कंपनियां भी हमारे पीछे होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, वो कहते हैं अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो हम इतना जो है वो बिजली ट्रिप करने की आपकी सलाहित रखते हैं, 4,000 मेगावाट 5,000 हम बंद कर देंगे। इससे फिर नेशनल इकोनॉमी पर इफेक्ट होता है, आपकी इंडस्ट्री फिर जो है वो बैठनी शुरू हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान की 12 से 37% इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बैठी हुई है। अब हमारा एक और इशू है, हम अपना जो सब्सिडी है जीडीपी का 8% इसके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल डेट IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हमने डिक्रीज करनी शुरू कर दी, जिससे हमारी बिजली महंगी हो रही है, किसान को नुकसान होता है उसके ऊपर, ये इशू है। उसके अलावा हम देखते हैं कि पुअर कलेक्शन ऑफ बिल्स, उसमें बड़ा इशू है हमारे पास, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस का इशू है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट, ये इशू है हमारे पास। अब हमारी जो है वो तकरीबन हमें जो पर ईयर डिमांड चाहिए ना वो है तकरीबन 1,500 मेगावाट, हमें एक साल में हमारी इतनी बिजली बने तो हमारा जो है वो गुजारा होता है, हमारा ये प्रॉब्लम हल होता है। उसके अलावा फिर इंटरनेशनल प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस का अप्स एंड डाउन जाना, डॉलर का अप्स एंड डाउन जाना यानी कि फ्लक्चुएट करना, फिर प्राइसिंग पॉलिसी का इशू है, फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, बिजली जो है वो हमारे पुराने सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होती है हमारी, ठीक है जी। उसके अलावा जब हम अपनी बिजली जो है वो 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से हम थर्मल पर, 1 हिस्से हम हाइड्रो पर, तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, ये वजह है। फिर उसके बाद LNG का कॉन्सेप्ट है, 2005 में आया है, इसके ऊपर हम कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि हम लो कास्ट से हाई कास्ट के ऊपर चले गए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या इशू है, और इशू हमारे पास ये है कि ओवर कंजम्पशन है हमारे पास, ओवर पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज को बड़ी खा रही है, ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, फिर जो है वो पावर प्लांट लगाने में जो है वो डिले बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एनर्जी का वेस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अब नई चीज़ें आ गई इंटरनेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिर वॉर का इशू है, हमारा जो है वो जो तेल बाई से आ रहा होता है अब उन इलाकों में वॉर लगी हुई है, कभी लेट हो जाता है, फिर पाकिस्तान अपना पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करता है, हम जो है वो डैम्स बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, फिर करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसके अलावा जो है वो हम सबसे जो मेन इशू है इसका, कोर इशू है एनर्जी सेक्टर का, वो है कश्मीर, कश्मीर से हमारा सारा पानी आता है जिसके ऊपर हमारी एग्रीकल्चर चलती है, हमारी पानी का सिस्टम चलता है, हम उस पर तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, हम डैम ही बना रहे हैं, हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट हमने छेड़े हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, डैम लगाए। इंडिया जो है वो अपनी जगह पर, मैं तो कहता हूँ कि वो ठीक राइट पर है, जब वो कहता है कि आपने हर साल जो है वो 30 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया करना है, तो वो कहता है कि इससे बेहतर है कि हम जो है वो अपने डैम लगाएं, आप जो ज़ाया कर रहे हैं। अब वो ज़ाया करने में हमारे हुक्मरान शामिल हैं, ठीक है, वो फिर इंडिया का मौका कमज़ोर नहीं ताकतवर होता जाएगा, हमारा मौका कमज़ोर होता जाएगा, हमारे लिए ये इशू भी है, यानी कि डिले इन डैम्स, हम डैम में डिले कर रहे हैं। हमारा तो कश्मीर शहर में हमारा पाकिस्तान का पानी वहाँ से आता है, अगर वो ही आना बंद हो जाए तो फिर हमारे लिए इशू नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारे पास जो मेजर जो है वो जो हाइड्रो के डैम्स हैं, वो तरबेना डैम है 3,478 मेगावाट है, जिसमें मंगला है आज़ाद कश्मीर पर जो लगा हुआ है 1,000 मेगावाट का, गाजीपुर होता जो है 1,450 मेगावाट का, ये हमारा जो है वो पानी का टोटल जरिया है। उसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो है वो अपने डैम बनाएं, जो हमें कश्मीर से पानी जो हमारा राइट है हम उसको लें, दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कश्मीर से पैदा की जा सकती है, और कश्मीर कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली पानी से पैदा की जा सकती है, जो कि हमारा सोर्स कश्मीर है, ठीक है। हमारा जो है वो 80% एग्रीकल्चर जो है वो कश्मीर के पानी के ऊपर है, आप अंदाजा करें कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितनी लैंड जो है वो बैरन की तरफ चले जाएगी, एनर्जी में हम जो है वो बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा, हमें एफिशिएंट प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, हमें जो है वो लाइटिंग कंट्रोल करना होगा, इजियर ग्रिड एक्सेस करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को मजबूत करना होगा, क्लाइमेट चेंज की तरफ इफेक्ट करना होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पानी खत्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इस पर हमें तवज्जो देनी होगी, फिर हमें एनर्जी ऑडिट परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा आखिरी जो पॉइंट ये है कि कोई भी नेशन
जो सक्सेस अपनी डिफाइन करती है तो वो कैसे डिफाइन होती है। तो वो कहते हैं कि कोई भी नेशन अगर अपनी सक्सेस डिफाइन करना चाहती है, वेटे कहते हैं कि अगर वो इस काबिल है या उनकी पॉलिटिकल सिस्टम इस काबिल है कि वो लोगों को पावर दे रही हैं, मैकेनिकल वर्क दे रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे रहे हैं, एक अच्छी कॉमर्स दे रहे हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो ये उस कौम की सक्सेस है जो कि उसके हुक्मरान डील करते हैं, उनको उनका पॉलिटिकल सिस्टम डील करता है उसको। तो ये लेक्चर जो है वो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया और फिर पाकिस्तान का पावर सेक्टर का इशू बताया कि क्या इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो लेक्चर सुनने के लिए शुक्रिया, हाफिज़।